हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर जो है वो पिछले क्लास में, जो कि क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे मिलेंगे आपको जो कि कहीं ना कहीं वो चैप्टर 8 क्लास 8 से बिलोंग करता है। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी उसे रिकॉल करना है, उसे एक बार रिवाइज कर लेना है। जिसमें सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की जब बात करते हैं तो इस एरिया को आप देखो, नेचुरल नंबर आखिर क्या है। नेचुरल नंबर इज कलेक्शन ऑफ वेयर एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर जो होगा वो 0 इंक्लूड नहीं करता है। वेयर नेचुरल नंबर 0 इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब ऑल नंबर्स विदाउट 0, दैट नंबर इज नेचुरल नंबर। और अगर इसी को उल्टा कह दिया जाए, ऑल नंबर विद 0, दैट इज नोन एज होल नंबर। मतलब जब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये अगर रह जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये होल नंबर। ठीक है, इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर। ठीक है, मतलब कि 0 के साथ जब सारे नेचुरल नंबर को हम लोग लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, होल नंबर। ठीक है, यू कैन हैव कलेक्शन ऑफ होल नंबर विच इज़ जनरेटेड बाय W। यहाँ गौर करने की बात यह है कि नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, जो कि हम लोग पहले जानते हैं, फिर भी इसकी रिकॉल है तो मैं इसे बता देना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर किसे डिनोट करते हैं, N से। होल नंबर किसे डिनोट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि वहाँ पे जो नेचुरल नंबर होता है वो N इक्वल्स टू 1, 2, 3, ... ये। ठीक है, जबकि होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर क्या हो जाता है, W इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, ... ये हो जाता है आपका होल नंबर। मतलब इससे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो n होता है वो 1 से स्टार्ट होता है वेयर एच W जो है वो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर, जो कि 0 से। यहाँ पे 0 का कंसेप्ट नहीं होता जबकि यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग देख चुके हैं नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। ठीक है, जैसे अगर ज़्यादा क्लियर से देखना हो तो आप इस फिगर को देख सकते हैं, जहाँ पे एक भी कंटेंट जो है वो 0 नहीं है, सारा 1 है, ये है, 310 है, 40 है। पर जब आप यहाँ बढ़ते हो तो आप इस वीडियो को, इस फोटो को देखो, तो इस फोटो में क्या होता है कि वो सारे नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन हैं जिसमें कि एक ऊपर से 0 डाला जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, होल नंबर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो होता है इंटीजर। इंटीजर क्या है, तो इंटीजर टर्म्स वो हो जाता है, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से, और ये होता है क्या, माइनस 1, माइनस
टू कॉमा, अगर इसको रखें तो जीरो भी हो जाएगा और ये वन टू एंड सो ऑन। अगर सही तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका जेड इक्वल्स टू माइनस टू कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो गया क्या इंटीजर नंबर। मतलब इंटीजर नंबर क्या हो गया, तो इंटीजर नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कलेक्शन ही क्या कहला गया आपके इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो गए। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखते हो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जहाँ हो जो कि यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स के नाम से पढ़ेंगे जो कि डिनोट करते हैं क्यू से, ये होगा क्या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको डिनोट करेंगे हम लोग क्यू से। ये क्या कहता है कि ऑल सच दैट नंबर रिटेन बाय इन पी बाय क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं मतलब क्या रैशनल नंबर क्या है जिसको डिनोट करते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। ये कहता है क्या पी बाई क्यू एक नंबर है जिसमें कि क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता और पी और जो क्यू है पी और क्यू जो है वो हमेशा क्या होगा एक बिलोंग करेगा जेड को। और जेड क्या है ये हम पहले जानते हैं, जेड जो है वो इंटीजर है, मतलब कि पी और क्यू वो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। तो ये कलेक्शन क्या कहलाएगा आपका, ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके, पहला देख चुके क्या कि नेचुरल नंबर क्या है, फिर होल नंबर क्या है, फिर इंटीजर क्या है, फिर आपका रैशनल जो कि क्यू से डिनोट करते हैं। ये इन चारों में सबका डिफरेंस देख चुके कि क्यों क्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, और होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज नोन एज होल नंबर, इंटीजर दैट इज माइनस एज वेल एज प्लस, ऑल नंबर्स विच इज माइनस और प्लस इज नोन एज इंटीजर, वेयर एज क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर जो कि डिनोट करता है क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू सच दैट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो और पी क्यू बिलोंग्स करता है जेड में, मतलब कि इंटीजर में, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होता है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। आप चाहो तो इसे धीरे धीरे इस वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हो, ये बहुत ही समझने लायक बनाया गया है जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सको। और ऐसे भी आप प्रीवियस क्लास में से पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पढ़ने में दिक्कत होगी। अब जब इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हमें जो दिखता है वो है क्या, कुछ एग्जांपल्स है जिसको दिया गया है तो आप इसको गौर से देख सकते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा से ही कोरिलेट कर सकते हो, आरडी शर्मा का एक्सरसाइज जो है वो भी आपसे बन जाएगा अगर इस वीडियो को आप देख करके। मैं पहले एक्सरसाइज वन बनवाऊँगा तो एक दो क्वेश्चन बता दूँगा, बाकी यहाँ पर छोड़ता हूँ, फिर आप जैसा आपका डिमांड होगा उस तरह से मैं बना कर दूँगा। तो जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपसे आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू
give reason of your answer. Every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. क्या सही है? सोचिए, अगर आप हाँ कहते हो तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं, इसका मतलब कि एवरी होल नंबर नहीं हो सकता, वो जीरो को छोड़ करके वन से सारा हो सकता है, पर जीरो जैसे ही आता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। मतलब क्लियर है कि अगर जीरो को हटा दिया जाए तो वन कॉमा टू कॉमा सो ऑन, दीज आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। पर अगर बात ये करें कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो डाल देते हैं तो फिर इस क्वेश्चन पे क्या असर पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं अभी कि क्या असर पड़ता है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता क्या है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या हो जाएगा, W क्या है? तो W है वो कलेक्शन किसका, जीरो से लेके वन एंड सो ऑन का, ठीक है कॉमा। लेकिन जब नेचुरल नंबर को देखते हैं तो नेचुरल नंबर क्या है, वो कलेक्शन ऑफ वन कॉमा टू कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर गौर से देख सकते हो, क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर कहला सकता है? सारा होल नंबर नेचुरल नंबर कहला सकता है क्या? नहीं, पर सारा नेचुरल नंबर होल नंबर कहला सकता है तो हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें वन है, इसमें टू भी है एंड सो ऑन भी है, पर यहाँ पे जीरो नहीं है, जो कि ये बताता है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। और एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही क्या है, वो कहता है क्या कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहता है, क्यू वेयर पी बाई क्यू सच दैट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, जहाँ पे P और Q जो है वो Z को बिलोंग करता है। मतलब Z क्या है यहाँ पे, इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ये हो जाएगा फॉल्स। सॉरी, वीडियो किसी कारण से रुक गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर जो था क्या कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो जैसे ही रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर पे बात करने पे हमारे माइंड में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह का होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म का, ठीक है।
लेकिन जब भी इंटीजर की बात करते हैं, मतलब जेड, ये क्यू हो गया और ये जेड हो गया, जब ये बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, टू माइनस वन होगा, जीरो होगा और फिर वन होगा और सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है? नहीं, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, थ्री बाई फाइव ये क्या इंटीजर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया? रैशनल नंबर। तो यहाँ पे फॉल्स। हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे दिया गया है कि किसी भी फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो हम लोग को ये याद रखना चाहिए, सबसे पहले इस फॉर्मूला को देख लेते हैं कि अगर किसी भी, मान लो आप इसका एग्जांपल आप देख लो, एक फॉर्मूला है R प्लस एस बाई टू, ठीक है, ये है बीच के नंबर्स को फाइंड करने का, ठीक है। मतलब जब कोई दो नंबर्स, मान लो x और y दिया है और इसके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट आर रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर, तो हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो इसको देखने के लिए मैं चलता हूँ कॉपी और पेन पे, क्योंकि शायद यहाँ बताना पॉसिबल ना हो और आपको समझ में ना आए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ मैं पेन और कॉपी पर। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आ गए, जहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। वो फार्मूला क्या है कि टू फाइंड नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, वो होता है आर प्लस एस बाई टू, या इसको कह सकते हो और जो होता है एक्स प्लस वाई बाई टू। मतलब कोई भी वेरिएबल हो, उससे अपनी कौन वेरिएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फॉर्मूला वही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि नंबर्स क्या था। तो लेट आर इक्वल्स टू वन और एस इक्वल्स टू टू। तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू आर प्लस एस बाई टू बराबर वन प्लस टू बाई टू, दैट इज थ्री बाई टू। Here, 1 is less than 3 by 2 and is less than 2. Now, second number, so R is 1, S is 3 by 2. So, R plus S by 2, hence 1 plus 3 by 2 by 2, that is 2 plus 3 by 2 by 2, that is 5 by 2 by 2, it means 5 by 4. Second number, so आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो नंबर फॉर्म हुआ, ये क्या हो गया कि
अपॉन एच टू बाई सॉरी थ्री बाई टू, फिर फाइव बाई फोर और फिर आपका जो नंबर था उसका एस। तो सेम प्रोसेस को अपना करके आर प्लस एस बाई टू फॉर्मूला को यूज़ करके, जैसे हम लोगों ने अभी इसके बीच दो संख्या फाइंड आउट किया है, तो फिर इसके बाद जो हो जाएगा वो फिर थ्री बाई टू एंड फाइव बाई फोर के बीच में थर्ड नंबर फाइंड हो जाएगा, फिर फोर्थ नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, सो सारा फॉर्मूला इसी पे हो जाएगा, आर प्लस एस बाई टू प्लस एस बाई टू। ठीक है, तो एट लास्ट जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा, वन थ्री बाई टू फाइव बाई फोर एक दो तीन चार हो जाएगा। तो मैं इस पर छोड़ता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको करके देखो और फिर आप मुझे बताओ कि कहाँ पर दिक्कत हुआ। तो इसी तरह बाकी भी जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्यूशन इसी तरह होना चाहिए, चाहे वो एक नंबर के बीच का हो, चाहे वो दो नंबर के बीच का हो, चाहे वो तीन नंबर के बीच का हो, तो हम लोग इसी तरह को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अभी तक का जो चैप्टर है तो एक्सरसाइज वन जो है वो समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन से बिलोंग करता है। तो जब क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे वो इसी फॉर्म में होंगे। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एक्सरसाइज वन में ही है, वहाँ पे क्वेश्चन एक है जो कि एनसीईआरटी में है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन वन, इज देयर अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ यू वे क्यू वे पी यू एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका आंसर जो होगा वो इस तरह होगा, यस क्यों, because zero can be written as 0 by 1 where p and q belongs to z, that is integer, and q not equals to 0। तो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन बना दिया, फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया जो कि पांच नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी दो नंबर के बीच। तो आगे का जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस तरह का है और सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का जो है वो सेम है। तो मुझे लगता है कि आप इसके बीच का आंसर बना सकते हो, और ऐसे जो भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं उसमें उसका सॉल्यूशन फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।